तो यहाँ से हमें कार्बोनेट आयन मिलेंगे यानी कि सी ओ थ्री टू नेगेटिव तो लेड केट है तो रिएक्ट किसके साथ करेगी सी ओ थ्री टू नेगेटिव के साथ अब सब कुछ किस में हुआ है एक्वस मीडिया में यानी कि पानी प्रेजेंट है तो पानी से क्या होगा ओ एच आयन प्रेजेंट होंगी और एच प्लस प्रेजेंट होगा तो ओवरऑल यहाँ पर दो तरीके की प्रेसिपिटेट आती है एक तो आती है लेड कार्बोनेट की पी बी सी ओ थ्री की और दूसरी बनती है यहाँ पर लेड के हाइड्रोक्साइड की पी बी ओ की प्रेसिपिटेट आती है और दोनों की दोनों जो पी पी टी होती हैं वो कैसी होती हैं इट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट तो हम कहेंगे वाइट प्रेसिपिटेट विद मिक्सड कंपोजिशन वो चीज़ बनी है और साथ में बाई प्रोडक्ट निकलता है कार्बोनेट से सी ओ टू गैस तो पहली स्टेटमेंट सही है दूसरे में लिखा हुआ है कि अ मिक्सचर ऑफ लेड कार्बोनेट एंड लेड हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म यानी कि दूसरी स्टेटमेंट ने यह बता दिया कि पहली स्टेटमेंट में जो ये वाइट प्रेसिपिटेट थी वो क्यों बनी थी यानी कि सही रीजन दे दिया कि एक मिक्सचर की फॉर्मेशन हुई है और उस मिक्सचर में हमारे पास है लेड का कार्बोनेट और लेड की हाइड्रोक्साइड तो दोनों सही है एक्सप्लेनेशन भी सही है तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की स्टेटमेंट ए इन टू आर ट्रू एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट ए ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर